अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने वाली हूँ इफ्तार स्पेशल चने की दाल। चने की दाल हर रमज़ान में इफ्तार के वक्त ज़रूर बनाते हैं। चलिए फिर हम चटपटी और मज़ेदार चने की दाल बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। वेलकम टू माई चैनल। आज हमारी चने की दाल बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ एक कप चने की दाल। इसे अच्छे से धोकर मैंने 2 से 3 घंटों के लिए भिगा कर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से भीग चुकी है और अच्छे से फूल चुकी है। चने की दाल को भिगाने से ये जल्दी गल जाती है। चलिए फिर अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और हम इसे गला लेंगे 3 से 4 व्हिसल आने तक। हमें दाल को ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ हम दाल गलना है और दाल साबित भी दिखना है। अब हमारी दाल गलते हुए 3 से 4 व्हिसल आ चुके हैं। अब हम इसका प्रेशर निकाल लेंगे और इसका लिड ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल अच्छे से गल गई है और ये साबित भी दिख रही है। इसे एक स्ट्रेनर में इस तरह से छन्नी में डाल लेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो ये निकल जाएगा। देखिए हमारी दाल इस तरह से रहनी है, दिखने में साबित रहना है और गलना भी है। इसे ज़्यादा स्मैश नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ठंडा होने के बाद हम इसे प्लेट में ले लेंगे और यहाँ हम बारीक कटे हुए हरे मिर्च 3 से 4 इस तरह से कट करके डाल लेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कोथमीर और पुदीने को भी बारीक कट करके इस पर डाल लेंगे। कोथमीर और पुदीने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने तीखे हरे मिर्च डाला है और इसी में हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक। आप टेस्ट के हिसाब से नमक को डाल सकते हैं। और इसी में हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी में डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का लेमन यानी नींबू का रस निकाल कर इसमें डाल लेंगे और इसे एक चम्मच के मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हल्के हाथों से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर और पुदीना डाल लिया है। देखिए हमारी इफ्तार की चने की दाल बनकर बिल्कुल तैयार है और ज़बरदस्त चटपटी बनी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप इस दाल को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा बना है कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।